हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर लेट्स टॉक अबाउट जैक्स डेरिडा एंड इनका वर्क स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेस सो जैक्स डेरिडा जो है वो डी कंस्ट्रक्शनिस्ट सो लेट्स टॉक अबाउट इट जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर थे इनका जन्म नाइनटीन में हुआ अल्जेरिया में नोन फॉर द डी सो व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म एंड व्हाट इज डस्ट्रक्शन डी एंड स्ट्रक्चरलिज्म आर टू ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी वेस्टर्न क्रिटिसिज्म स्कूल जो ट्वेंटी सेंचुरी में दो तरह के ग्रुप आए थे स्कूल्स का मतलब यहाँ पर कि कुछ राइटर्स ऐसे थे जो डी थे और कुछ जो थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे अब स्ट्रक्चरिस्ट और डी कौन थे स्ट्रक्चरलिज्म pays मोर अटेंशन टू डीप स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट बट deconstructionist exposes एक्सपोज instability द meaning ऑफ मीनिंग जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो डीप स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं कि हर एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चर उसी के साथ है हर एक टेक्स्ट के अंदर उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और उसी से हमें उसका मीनिंग का पता चलेगा लेकिन डी कंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कोई भी सेंटर नहीं है डेरिडा सेट स्ट्रक्चर हैज़ वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देयर इज नो सेंटर स्ट्रक्चर के भी अलग अलग स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम मीनिंग इज नेवर फिक्स्ड बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट मीनिंग इज़ फिक्स्ड डेरिडा के अकॉर्डिंग मीनिंग कहीं भी फिक्स नहीं है हर एक चीज़ का अलग अलग मीनिंग है जैसे कि एक सिग्निफायर हमें दूसरे सिग्निफायर तक ले जाता है हम कहीं भी सिग्निफाइड तक नहीं पहुंच सकते दैट मीन्स एक वर्ड हमें दूसरे वर्ड तक ले जाता है लेकिन फाइनल मीनिंग फाइनल इमेज तक हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि हर एक के माइंड में अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग मीनिंग है डेरिडा टॉक्स अबाउट सेंटर ही सेड वन सेंटर गेट्स रिप्लेस्ड बाय अदर डेरिडा सेंटर के बारे में कहते हैं कि कोई भी सेंटर भी फिक्स नहीं है आज कोई एक अलग सेंटर है और उसके बारे में बात की जाए तो दूसरा सेंटर सामने आएगा टेक्स्ट में आज हम किसी एक चीज़ को लेकर बात करें तो कल अगर हम उसी टेक्स्ट के ऊपर बात करें दूसरे तरीके से तो उसका सेंटर कुछ और होगा ही सैड वन सेंटर रिप्लेस बाय अदर एक सेंटर दूसरे को रिप्लेस करता जाता है अकॉर्डिंग टू डेरिडा देयर इज़ नो एंड नो सिग्निफाइड नो सेंटर नो मार्जिन नो टोटेलिटी एंड वन सिग्निफायर लीड्स टू अनदर सिग्निफायर सिग्निफायर का मतलब होता है एक वर्ड और सिग्निफाइड का मतलब होता है कोई इमेज या पर्टिकुलर चीज तो अकॉर्डिंग टू हिम एक सिग्निफायर जो है दूसरे सिग्नीफायर तक ले जाता है हम उस सिग्निफाइड तक नहीं पहुँच सकते सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन लेट्स टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसिस वॉज अ लेक्चर प्रजेंटेड एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑन ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स बाय जैक्स डेरिडा ये जैक्स डेरिडा के द्वारा एक लेक्चर के रूप में प्रेजेंट किया गया था 1966 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसके बाद ये रिटर्न वर्क के रूप में पब्लिश हुआ और जो उस टाइम का सिनेरियो चल रहा था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम जिस टाइम पर uh, 1968 में जिस टाइम पर नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा था नई नई थिंकिंग को देयर इज नो सिंगल और स्टेबल मीनिंग इन द टेक्स्ट एज इट कैन प्रोजेस मैनी डिफरेंट मीनिंग्स अब इनका कहना है कि किसी भी चीज का किसी भी टेक्स्ट का एक सिंगल और स्टेबल मीनिंग नहीं है नो सिंगल और स्टेबल मीनिंग इन द टेक्स्ट एज इट कैन प्रोजेस मैनी डिफरेंट मीनिंग्स क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं क्योंकि हर एक रीडर के माइंड में एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद स्पीच ऑल्सो हैज़ दीज सेम इंस्टेबिलिटी एज राइटिंग ऐसे ही स्पीच में भी है अलग अलग तरीके के लोग बात बोलेंगे दे टॉक अबाउट द मीनिंग बिहाइंड द टेक्स्ट ये जो डी कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं ये उस मीनिंग की बात करते हैं टेक्स्ट के बाहर भी है जो इफ वी फॉलो द डी वी कैन नेवर रीच द फाइनल मीनिंग अगर हम स्ट्रक्चर के पीछे भागेंगे तो हम उसी टेक्स्ट तक सीमित रह जाएंगे हमें बाउंडेशन मिल जाएगी कि इससे बाहर कुछ नहीं है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसी के अंदर है जो कुछ है इसी में पढ़ना है इसी की लाइन्स है इसी की लैंग्वेज है इसी के ग्रामेटिकल रूल्स हैं लेकिन अगर डी कंस्ट्रक्शनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई फाइनल मीनिंग नहीं है हर एक रीडर अपने हिसाब से इसका मीनिंग निकालेगा हिज पेपर स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले अटैक्ट द ओल्ड नोशन ऑफ स्ट्रक्चरिज्म जो इनका पेपर है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं ये स्ट्रक्चरलिज्म को अटैक करता है यानी कि उनके नोशन को जो उनके पीछे से चले आ रहे पहले से चले आ रहे स्ट्रक्चरलिस्ट जो सोच है कि स्ट्रक्चर जो है यहीं तक सीमित है उस बाउंडेशन को ख़त्म करता है अकॉर्डिंग टू सी एल स्ट्रॉस

अगर हम समझना चाहें प्रटागनिस्ट क्या है तो उसके लिए एंटागनिस्ट को समझना होगा अगर हम पूछे गुड क्या है तो उसके लिए एविल को समझना होगा लेकिन डेरिडा अटैक्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ही सेट दिस थ्योरी बाउंड अस इन अ हाई इस तरह से तो हम बंद कर रह जाएंगे कि मैन क्या है उसके लिए विमेन को समझना होगा डार्क क्या है उसके लिए लाइट को समझना होगा ऐसा नहीं है क्योंकि डेरिडा कहते हैं हर एक वर्ड का मीनिंग वही है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हैं ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का मीनिंग फिक्स कर दिया कि डे पूछें तो हमें नाइट को समझना होगा मैन पूछें तो हमें वेमेन का समझना होगा ऐसा नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने बोला कहीं बाइनरी अपोजिशन नहीं है हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग निकल सकता है अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व, इन्होंने इस तरीके से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि डेरिडा का कहना क्या है कि जो वर्ड है वो अपने आप में ही वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग निकलते कहीं भी कोई मीनिंग फिक्स नहीं है जैसे कि प्रेजेंट प्रेजेंट जो है एक प्रेजेंट टाइम वाला प्रेजेंट हुआ और एक प्रेजेंट गिफ्ट वाला प्रेजेंट हुआ ऐसे ही वॉच एक किसी के लिए वॉच हाथ में पहनी हुई घड़ी है किसी के लिए वॉच दीवार पर टंगी हुई घड़ी है और किसी के लिए वॉच देखना है सो so, डेरिडा का कहना है कि कहीं पर भी फिक्स मीनिंग नहीं है हर एक के दिमाग में अपना एक अलग मीनिंग है और कहीं पर भी उस मीनिंग को फिक्स नहीं कर सकते सो so, इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना किसी भी वर्ड की वो गलत होगा क्योंकि हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है सो जहाँ सी एस थ्रोस ने बोला कि बाइनरी अपोजिशन एग्जिस्ट करता है हर जगह कि एक वर्ड को समझने के लिए पहले हमें दूसरे को समझना होगा जैसे कि डिक्शनरी में दिया जाता है वहीं डेरिडा ने बोला कि बाइनरी अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता जो है हर एक वर्ड का अलग मीनिंग है कहीं भी फाइनल मीनिंग तक नहीं पहुँच सकते ही सेड वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स उन्होंने कहा कि हमें चीज़ों को इंटरप्रेट करने की बजाय इंटरप्रेट करना चाहिए इंटरप्रिटेशन को अनकवर करना चाहिए ट्रूथ को अनकवर द अनकॉन्शियस कॉन्शियस नहीं जो होश आवास में है वो तो दिख ही रहा है सबको अनकॉन्शियस जो छिपा हुआ है विच इज़ नॉट विजिबल रादर देन कॉन्शियस इन्होंने ब्रेक किया स्ट्रक्चरलिस्ट इफेक्ट को टू शो दैट टेक्सुअल यूनिटी एंड इफेक्ट जो स्ट्रक्चलिज्म जो थिंकर थे स्ट्रक्चलिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि टेक्स्ट के अंदर यूनिटी होती है वहीं से हमें उसके बारे में पता चलता है एक का मीनिंग दूसरे के साथ वहीं बंधा होता है हमें वहीं समझ में आएगा लेकिन यहाँ डेरिडा कहते हैं देयर इज़ नो टेक्सचुअल यूनिटी नो सेंटर जैसे कि सिग्निफायर जो है दूसरे सिग्निफायर तक ले जाता है सिग्निफाइड तक नहीं ले जाता यानी कि टेक्स्ट में अपना अलग अलग मीनिंग निकलेगा हर एक रीडर अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकालेगा टेक्स्ट जो है वो एक कंस्ट्रक्शन है रीडर जो है स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि टेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन है और रीडर जो है वो रीकंस्ट्रक्ट करेगा उसका मीनिंग दोबारा से पढ़ेगा अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग बस उसका जो लिखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करता जाएगा और उसे समझ लेगा और उसको रख देगा लेकिन डेरिडा कहते हैं कि गिव अ न्यू काइंड ऑफ मीनिंग बिकॉज टेक्स्ट जो है एक डिफरेंट मैनर में लिखा गया है और हम उसे इंटरप्रेट करेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन को कि वो क्या कहना चाह रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन को हम समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करेंगे कि जो उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है और वर्ड्स लिखे हुए हैं सिर्फ उसे समझ समझ कर रख देंगे कि लिखा क्या हुआ है बल्कि उसके मीनिंग को समझेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करेंगे ना कि उसकी लाइंस को उसका मीनिंग निकाल कर रखना है फॉर एग्जांपल ओके बाय अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कहीं तो हर कोई अगर स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो दिस इज ओनली ओके बाय लेकिन अगर डी के अकॉर्डिंग चलें तो हमें इसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे ओके बाय ओके बाय ओके बाय सो अकॉर्डिंगली कि उसने गुस्से में बोला ओके okay, बाय या फिर उसने बिल्कुल नॉर्मली पोलाइटली बोला ओके बाय सो इंटरप्रेट द इंटरप्रिटेशन कहने का तरीका क्या है उसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है वो चीज़ जानना ही टॉक्स अबाउट इवेंट the event is too loaded with many meanings he talks about the event as structure the structurality of structure he talked about the moment or event when philosophers began to see their philosophical system in other words this is a moment when structuralism pointed out that language was indeed a structure when it became possible to think about the idea of structure एंड हाओ एवरी सिस्टम वेदर लैंग्वेज और फिलोसफी इट्स सेल्फ हैड अ स्ट्रक्चर सो डेरिडन ने एक वर्ड यूज़ किया है इवेंट इवेंट उन्होंने इस मोमेंट को बताया जहाँ पर स्ट्रक्चरिस्ट जो है और फिलोसफर जो है वो उस मूमेंट और इवेंट की बात करते हैं दैट मीन्स ही टॉक्ड अबाउट दैट मोमेंट और इवेंट जब फिलोसफर्स ने हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर सिस्टम बताया उस मूवमेंट को डेरिडा इवेंट का नाम देते हैं यानी कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट जिस स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं उस मूवमेंट को इवेंट बोला है डेरिडा ने जैसे कि योर होम इज इन इंडिया इसके स्ट्रक्चर में देखा तो तुम्हारे घर जो है वो दिल्ली में है अब उसके स्ट्रक्चर में देखा तो तुम्हारा घर तो द्वारका में है देन उसके स्ट्रक्चर में देखा तो फ्लैट नंबर कुछ है देन तुम्हारा जो घर है उसका भी स्ट्रक्चर है तो वो मूवमेंट जहाँ पर फिलोसोफर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हुआ इवेंट अदर देन दिस डेरिडा यूज़ द वर्ड प्ले यहाँ पर डेरिडा ने सेंटर को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि सेंटर जो है कहीं भी सेंटर फिक्स नहीं है आज कुछ और सेंटर है तो उसके अलग अलग सेंटर निकलते जाएंगे तो प्ले वर्ड यूज किया है इसको अगर लिटरेचर की तरफ ना लेकर जाएं तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब बच्चे क्लास में होते हैं तो उनके सामने उनका टीचर होता है एज अ सेंटर ही इज फिक्स्ड लेकिन जब वो बाहर जाएगा बच्चे अपने अकॉर्डिंग प्ले करेंगे पहले बच्चे लिमिटेड थे बाउंड थे स्ट्रक्चर में थे बाद में क्या हुआ वही बच्चे हैं सब चीज वैसी ही है लेकिन अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं तो क्या हुआ डी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इनका कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो हमें बाउंड कर देता है बांध देता है कि इससे बाहर कुछ नहीं है इससे बाहर हम नहीं सोच सकते लेकिन डी कंस्ट्रक्शन क्या है अगर डी कंस्ट्रक्शन होगा तो बच्चे प्ले कर सकेंगे टीचर बाहर चला गया सेंटर बाहर चला गया यानी कि सेंटर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो नए नए मीनिंग निकल कर सामने आएंगे ये डी कंस्ट्रक्शन हुआ सो so, स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग सेंटर वो है जिसके कोई इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं है जिसके कोई इक्वल नहीं है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता एवरीथिंग प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रक्चर और अ पर्टिकुलर सिस्टम हर एक चीज़ का पर्टिकुलर सिस्टम है ऐसा स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं सो so, जो आइडिया है सेंटर का वो लिमिट कर देता है प्ले को सो अकॉर्डिंग टू डेरेडा स्ट्रक्चर नहीं है नो प्ले नो फिक्स्ड नो लिमिट नो सिस्टम नो बाउंडेशन नो स्टेबलनेस इसे डीकंस्ट्रक्शन का नाम दिया यहाँ इसीलिए डेरिडा ने प्ले वर्ड यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर इज गोड गोड जो है वही सब कुछ संभाल रहे हैं हमने इस तरीके से कहा ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि भगवान ने ही स्ट्रक्चर बनाया भगवान ने ही दुनिया बनाई भगवान ने ही इंसान बनाए और भगवान ने ही सब कुछ बनाया हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर से चल रही है तो ये हुआ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग लेकिन जहाँ हमने ये बोला कि भगवान तो सब जगह हैं हर एक चीज़ में प्रेजेंट है हर एक जगह पर है हर एक जगह पर अपने अपने तरीके से प्रेजेंट है हर चीज़ में प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या हुआ डी कंस्ट्रक्शन क्योंकि हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग चल रही है अपने अकॉर्डिंग प्ले कर रही है तो ही कोल्ड सेंटर एज अ ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर कि एक सेंटर है आज अब दूसरे सेंटर की बात करें फिर तीसरे सेंटर की इस तरह आगे बढ़ते गए जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि सेंटर फिक्स नहीं है घर कहाँ है इंडिया में और इंडिया में आगे कहाँ पर है दिल्ली में देन दिल्ली में आगे गए फिर अब सेंटर फिर चेंज हुआ दिल्ली से द्वारका देन फ्लैट नंबर सो सेंटर चेंज होता गया तो सेंटर कहीं भी फिक्स नहीं है ट्रांसीडेंटल सिग्निफायर देन अनदर टर्म ब्रिकलेग ब्रिकलेग का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ बनाना सी स्ट्रोस ने इसके ऊपर माइथोलॉजी से इसको कनेक्ट किया इंजीनियर से साथ में हायरे की उन्होंने बताया कि आर्टिस्ट पहले आए आर्टिस्ट ओरिजिनेटर हैं और क्रिटिक्स बाद में आए लेकिन यहाँ डेरिडा इसके अगेंस्ट कहते हैं कि यहाँ पर कोई हाई नहीं है किसी भी चीज़ की कोई हाई नहीं है कोई सिस्टम नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना ही आर्टिस्ट पहले आए ना ही क्रिटिक्स पहले आए दोनों ही ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है वो है लैंग्वेज तो कहाँ है हाई रेकी? नहीं है हाई रेकी? अब जहाँ सी एस रॉस ने बोला कि स्पीकिंग जो है वो बेटर है राइटिंग से क्योंकि स्पीकिंग के टाइम पर जो इंसान है वो एटलीस्ट फिज़िकली प्रेजेंट तो होता है लेकिन डेरिडा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है राइटिंग के टाइम पर बेस्ट है क्यों क्योंकि अगर जो भी चीज़ हम बोलते हैं वो प्रोनंसिएशन में तो सेम आ जाती है लेकिन लिखने में डिफरेंस पता चलता है इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया डिफरेंस डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई की जगह इन्होंने यूज़ किया डी आई डबल एफ़ ई आर ए एन सी ई जस्ट टू शो द कॉन्सेप्ट इन्होंने किसी भी चीज़ का मीनिंग देना किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर डेफिनेशन देना सही नहीं समझा डेरिडा यूजेज द वर्ड डिफरेंस टू इंडिकेट द वे वर्ड्स नेवर रीच द फिक्स्ड मीनिंग इन्होंने यही दिखाने के लिए ये डिफरेंस की स्पेलिंग इस तरह ली है कि हम किसी भी वर्ड के फाइनल मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते इसका मीनिंग टू डिफ़र और टू पोस्टपोन है हर एक वर्ड अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ किया जाता है कहीं भी किसी भी वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं कर सकते कहीं कोई सेंटर फिक्स नहीं कर सकते ऐसा डेरिडा का कहना है सो जहाँ सी एस थ्रोस ने एक बाइनरी अपोजिशन की बात की कि सब जगह बाइनरी अपोजिशन है डे को समझने के लिए नाइट को समझना होगा वाइट को समझने के लिए ब्लैक को समझना होगा वहाँ डेरिडा ने अपोज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है हर एक वर्ड का अपना अलग मीनिंग है कोई बाइनरी अपोजिशन नहीं है जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देकर बताया था कि प्रेजेंट हर किसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट अलग अलग है किसी के टाइम पर अभी इस इसी समय वाला प्रेजेंट किसी के लिए गिफ्ट वाला प्रेजेंट किसी के लिए प्रेजेंट काल वाला प्रेजेंट जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो प्रेजेंट किसी के लिए वॉच मतलब घूरना किसी के लिए वॉच हाथ में पहनी हुई घड़ी किसी के लिए वॉच दीवार पे लगी हुई घड़ी और किसी के लिए वॉच मतलब देखना सो हर एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है हर एक रीडर के अकॉर्डिंग सो जहाँ सी एस ने कहा कि स्पीकिंग बेस्ट है राइटिंग से सो तो वहाँ डेरिडा ने इसका भी अपोज़ किया और डिफरेंस का एग्जाम्पल देकर बताया ऐसे ही डेरिडा ने सेंटर के बारे में बताया प्ले वर्ड का यूज़ करके कि सेंटर जो है कहीं भी फिक्स नहीं अगर हम सेंटर को फ़िक्स कर दे जैसे कि टीचर अगर क्लास में है तो वो सेंटर है और वो जब तक होगा तो बच्चे एक स्ट्रक्चर में चलेंगे क्योंकि सेंटर वहाँ पर है लेकिन अगर हम सेंटर फिक्स नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे न्यू मीनिंग निकल कर सामने आएंगे क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग सेंटर अलग अलग है और अलग अलग टाइम पे सेंटर चेंज हो रहा है जैसे कि एग्जांपल दिया गया था होम का कि आपका घर कहाँ है अगर इंडिया में है देन इंडिया से डेली में है देन डेली से फिर अब बात करेंगे मान लीजिए किसी भी सोसाइटी की देन किसी भी फ्लैट नंबर की सो so, हर एक टाइम पर सेंटर चेंज हो गया कहीं सेंटर फिक्स नहीं है सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेरिडा आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इफ़ यू अंडरस्टैंड लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू